लॉर्ड का वो क्या था, 19 था ना लास्ट जो तराया था वो कौन सा था, 2019 या फिर कोई और? कौन सा वही कर रहे थे मैम? 2019 का था जी तो था। यस मैम। और रिया तुमने भेजा कितना था, 1915 और कौन सा 16 था? यस मैम, शायद वही था। शुरू कर दो या फिर वेट कर लो? बनाना शुरू कर दिए हो जो क्वेश्चंस मैंने दिया था वो? ऐसे ढूंढना शुरू किए हो सब? कैमरा ऑन करूं? कैमरा बंद है अब तक? संकेत निकी स्वप्निल, स्वप्निल सबसे पहले काम किया था। उत्कर्ष स्वप्निल, उत्कर्ष चलो ठीक है शुरू करते हैं। देखते हैं जब कैसे ये कुछ जाएगा। ठीक है क्वेश्चंस पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन जिसको कोशिश करो पहले सॉल्व करके समझने का, जिसको आंसर पता होगा हैंड रेज करना। रोल नंबर 15 एंड 51 कैमरा ऑन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैम, हाँ बोलो मैम आप लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पढ़ा रहे थे। हाँ ठीक है वो उसमें बताएंगे क्वेश्चन में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ठीक है इसको हम करा लेते हैं ऑनलाइन में, फिर वो बताना एस्टिमेशन थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलो देखो बताओ जरा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है फर्स्ट है द वेरिएबिलिटी। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, हैंड रेज करेगा जिससे पूछेंगे वो बताएगा। The variability which is defined as the difference between third and the first quartile is considered as quartile range, decile range, percentile range, interquartile range. तो फिर रिया का आता है। चलो ठीक है और कोई कोई और है? रिया सर रिया का चलो ठीक है रिया बताओ। हम इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 और कोई सबको क्या लग रहा है यही होगा। वेरिएबिलिटी विच इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज कंसिडर्ड एज। Explain the criteria. Why interquartile range? मैम फॉर्मूला ही तो है कि Q3 माइनस Q1 इंटरक्वार्टाइल रेंज होते हैं और जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टाइल डेविएशन हो जाता है या फिर सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज हो जाता है या फिर इंटरक्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं उसको। क्वार्टाइल डेविएशन होता है तो क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज में क्या अंतर है? क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल रेंज में क्या अंतर है? लास्ट डे हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था एक क्वेश्चन
तुम लोगों का एक ही टॉपिक से मोरलेस एक ही जैसा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। बताओ एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन जो भी जिस भी ईयर का हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन था क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ था या फिर क्वार्टाइल रेंज दिया हुआ था, उसके बेसिस पे आपको डेविएशन बताना था या फिर रेंज। क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन मैम, लास्ट कुछ टाइम में जो क्वेश्चन था उसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज गिवन था। इंटर क्वार्टाइल रेंज गिवन था, यस मैम। निकालना क्या था? क्वार्टाइल डेविएशन था। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना था, यस मैम। ठीक है। तो यही यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है ना, आंसर हो जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज। चलो ठीक है, ये तो आंसर सही है लेकिन क्यों होगा इस चीज को समझिए थोड़ा। वेरिएबिलिटी, तो आपको याद हो शायद वेरिएबिलिटी मेजर करने के चार पांच तरीके हैं। फर्स्ट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन जिसको आप इंटरक्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जानते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज दोनों ही टर्म मैंने लिखवाया है, ठीक है। थर्ड है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। सो अब यहाँ पे वेरिएबिलिटी वर्ड आ गया है, दैट मींस यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेजरिंग द वेरिएशन। सो वेरिएशन मेजर करने का तरीका है वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन से मेजर करो, इंटरक्वार्टाइल रेंज बोलो, मीन डेविएशन करो, वेरिएंस करो, स्टैंडर्ड डेविएशन करो। सो वेरिएबिलिटी ही मेजर कर रहे हैं सब में। और ये जो वेरिएबिलिटी मेजर कर रहे हो वो किस पे बेस्ड है? थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बेसिस पे। तो अगर यहाँ पे वेरिएबिलिटी वर्ड नहीं होता, सिर्फ आप थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस की बात करते तो यहाँ क्वार्टाइल रेंज टर्म होता, लेकिन यहाँ वेरिएबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन दीज टर्म्स है तो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? Q1, Q3 minus Q1 बोलते हैं, then that is quartile range. Q3 minus Q1 divided by 2 कर देते हैं, then that is quartile deviation और interquartile range. तो interquartile range हो जाएगा because variability measure कर रहे हैं between third and first quartile. तो interquartile range होगा, सही है। चलो next देखो, the mean absolute deviation which is used as relative measure is called. ध्यान से पढ़ना, आंसर ये सब जो लगाया हुआ है वो गलत भी होगा, एकदम उसको टिक मार्क मत करिएगा जो भी बनाया है। सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, और एब्सोल्यूट डेविएशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, वर्ड एब्सोल्यूट वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, जहां मोड लगाते हो, मोड वर्ड लगता है। आप लिखते थे ना ऐसा कहीं भी टर्म आता था एक जिसके अंदर नेगेटिव साइन भी लिखोगे तो सम माइनस वन ये वैल्यू है, इसका मतलब हो गया वन। मोड वैल्यू मतलब इफ इट इज नेगेटिव देन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वन है तो वन का मोड का मतलब तो वही हो गया, वन ही होगा, लेकिन अगर माइनस वन है तब भी उसका आंसर वन होगा। एब्सोल्यूट वर्ड इसी के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जब एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा है तो एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगा, जो मोड पे डिपेंडेंट हो, मोडल वैल्यू पे पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मीन मीन डेविएशन, ठीक है, विच इज यूज एज रिलेटिव मेजर इज कॉल्ड। इस पे डिपेंडेंट एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह टर्म कुछ हम बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके बेसिस पे रेंज के बेसिस पे भी बताया गया था, मीन डेविएशन के बेसिस पे बताया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे भी बताया गया था।
हैंड रेज करो अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो। बताओ बताओ जल्दी से। कोएफिशिएंट और वेरिएशन डिफाइन किए थे क्या सीवी? यस मैम, डिफाइन किए थे ना, उसी के उसी से रिलेटेड टर्म है। उसमें मीन डेविएशन का कोई कॉन्सेप्ट था, मीन डेविएशन पे डिपेंडेंट वैल्यू था, उसको क्या बोलते थे? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोलते थे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट मीन डेविएशन बोलते थे, बाकी दो तो ऑप्शन होने का चांस ही नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज डेविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशन डेविएशन हो सकता है। इन दोनों में तो ऑप्शन समझ में आ रहा है थ्री और फोर, क्योंकि मीन डेविएशन के बेसिस पे अगर मेजर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्वार्टाइल डेविएशन तो नहीं मिलेगा, और क्वार्टाइल डेविएशन में कहीं भी एब्सोल्यूट क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हुआ था अगर याद हो तो। उसमें मॉडल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं ले रहे थे, वो मीडियन के फॉर्म से रिलेटेड है। क्वार्टाइल डेविएशन मीडियन से रिलेटेड है और मीडियम के फॉर्मूले में ये सब नहीं आ रहा होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन और टर्म। डेविएशन टर्म जब आएगा तभी वो आएगा, और क्वार्टाइल्स जो है वो मीन के फॉर्मूला पे काम करता है, फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल मीडियम के फॉर्मूला पे काम करता है, टोटली मीडियम पे डिपेंडेंट है। डेविएशन में मीडियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा है, यहाँ एवरेज की बात कर रहा है, और डेविएशन है वो मॉड में आएगा, मतलब मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वही है। एब्सोल्यूट मीन डेविएशन का मतलब हो गया मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन के हेल्प से जो भी वेरिएशन या फिर रिलेटिव मेजर हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थ्री और फोर में बताओ, सॉरी टू एंड थ्री, यही दोनों में से होगा। क्या लग रहा है क्या होगा? संजना बताओ जरा। यस मैम, क्या होगा ये बताओ ना। मैम एब्सोल्यूट मतलब डेविएशन में दो मेजर्स होते हैं ना, एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट में ये कि जब मतलब सारे जो यूनिट्स होते हैं उन वो सेम होते हैं एब्सोल्यूट में, रिलेटिव में वो होते हैं कि जिसमें अगर आप यूनिट्स चेंज होते हैं तो भी आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो आई थिंक सी होना चाहिए मैम, कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन, क्योंकि मैम बुक में यही स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेविएशंस के बारे में। आप इसको मेजर करने के लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आता है। यस मैम, क्योंकि रेंज में एच माइनस एल एब्सोल्यूट डेविएशन बोला गया था, और जब कोएफिशिएंट बोला गया था तभी एच माइनस एल बाई एच प्लस एल उसको रिलेटिव मेजर्स बोला गया था। तो मुझे लगता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर का मतलब ही है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को रिलेट कर रहे हो। मतलब अगर रेंज की बात करो, रेंज में डेविएशन जब हम मेजर करते हैं कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर जिसको तुम बोल रहे हो, तो वहां उसी को कोएफिशिएंट और वेरिएशन टर्म भी डिफाइन किया जाता है। तो आपने क्या किया, एल माइनस आर जो किया मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस निकाल रहे हो, उस डिफरेंस को निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू एल प्लस एच, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में उसको निकाल रहे हैं। रिलेटिव मेजर का मतलब यही है, यू आर कंपेयरिंग द टू टर्म्स, ठीक है, उन दोनों के रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पे कुछ ना कुछ दे दे रहे हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, रिलेटिव मेजर का मतलब यही है कि अगर रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं तो उसके लिए जो टर्म आएगा वो क्या होगा, ठीक है, यही उसको क्या टर्म से डिफाइन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हम लोग पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे ना। एब्सोल्यूट में डेविएशन में आ रहा है, रिलेटिव टर्म में एब्सोल्यूट वर्ड नहीं आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, ठीक है। चलो ऑप्शन सी में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सी। So, इसका जो ऑप्शन होगा वो थ्री करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर सी। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्यूनेस व्हिच इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल्स एंड मीडियन
इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, जो भी है क्वार्टाइल और मीन डेविएशन के बेसिस पे, सॉरी क्या है, हाँ क्वार्टाइल और मीडियन के बेसिस पे किन्होंने दिया था स्क्यूनेस का फॉर्मूला? बाउली सी होगा, बी होगा, थ्री होगा, थ्री। और यही हम लोग पढ़े भी थे, बाकी सारा उतना आपका इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बताया था ना मैंने बाउली स्टाइल पियर्सन कुछ कुछ टर्म्स है जो कि ज्यादा याद रखना है। सो स्क्यूनेस मेजर करने का सबसे जो क्वार्टाइल में डेविएशन और मीडियन के बेसिस पे है वो बाउली का दिया हुआ है। चलो थर्ड आ जाओ, फॉर द टाइल पियर्सन स्क्यूनेस कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस मस्ट बी इन द लिमिट। ये क्या होगा, ये क्लास में बहुत बार बता चुके हैं, बताओ याद है, हैंड रेज करो तो। चलो श्रेया आपको पता है व्हाट इज द आंसर ऑफ बी, रोल नंबर 45 अनम्यूट करके बताइए क्या होगा आंसर। मैम नहीं पता, नहीं पता, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट मैम शायद माइनस थ्री हो, कंफ्यूज है क्या पता वो बाउली का हो, दोनों के चाहे वो बाउली हो चाहे वो कार्ल पियर्सन हो, जितने भी साइंटिस्ट हैं जो भी है सब स्क्यूनेस लिकोटोसिस का जो टर्म देते हैं वो प्लस माइनस थ्री ही है। थ्री इज द प्लस, थ्री इज द मैक्सिमम लिमिट एंड माइनस थ्री इज द मिनिमम, ठीक है, यही वैल्यू अटेन करता है। अगर किसी का वैल्यू माइनस थ्री है तो टोटली नेगेटिव आ जाएगा। स्क्यूनेस कुटोसिस का भी होगा, क्योंकि जब लेक्टोपोटिक कर्व होगा तो प्लस थ्री होगा आंसर। अगर थ्री आंसर आता है एग्जैक्ट थ्री, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, थ्री और माइनस थ्री और ये लेस देन ये वाला रेंज याद रखना जरूरी है। अगर वैल्यू थ्री है एग्जैक्ट थ्री तो मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल कर्व फॉलो करेगा, थ्री से ज्यादा है लेप्टोकोटिक होगा, थ्री से कम है प्लेटोकोटिक होगा। जो स्क्यूनस का लिमिट है मैक्सिमम वो थ्री प्लस माइनस थ्री है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन देन द म्यू मस्ट बी इक्वल टू, ये थोड़ा सा समझ के बताना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन है किसी भी पॉपुलेशन का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा एस्टिमेशन पे डिपेंडेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में उस पे डिपेंडेंट है थोड़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा पॉपुलेशन का नोन है देन म्यू मस्ट बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड एरर फ्री मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन एंड इन्फरेंशियल वैल्यू ऑफ मीन। जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे उससे थोड़ा बहुत और कुछ लोगों को बोलने दो, देखो क्या है जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया उसके बेसिस पे बस इसको बताया जा सकता है, बस उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, इतना ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बताओ कोई भी, और किसी को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, कुछ गेसिंग भी कर लो क्या हो सकता है, जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेन करो। मैम थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्यों होगा ये बता सकती हो?
डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, गेस गेम भी एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, ठीक है मैम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इसलिए होगा क्योंकि म्यू जो है वो मीन ऑफ द पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है, और फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, एस्टिमेटर मतलब वो जो फंक्शन जिसके, वो जो फंक्शन है जिसके थ्रू हम वो एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, तो मतलब वो सैंपल का हो गया ना, और एरर ऑफ द मीन का कोई आइडिया नहीं है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन तो मतलब वही जो मुझे एस्टिमेट करना है। मैम ऑप्शन थ्री, और फोर्थ पॉइंट का भी नहीं पता मैम, इन्फ्रेशियल वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है अपनी मर्जी से, कोई और? बताओ सही। एक काम करो, कॉपी पेन है सर के पास? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, सब लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना फॉर्मूला लिखिए अपनी कॉपी में। अब मुझे ये बताओ इस स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या जरूरी है? n xi नंबर ऑफ द मतलब सारे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और मीन। n पता है समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर होता है या फिर मीन का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय n करते हैं, मतलब सम ऑफ स्क्वायर अगर हमें पता है डेविएशन का और उसको हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम सिग्मा निकालते हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर उसे हमें कैलकुलेट करना है तो मीन म्यू की जरूरत तो है। अब वो मीन म्यू कहाँ से आया है, कैसे कैलकुलेट करने हैं करते हैं, इस पे सारा का सारा फोकस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो निकालते हैं आप उसको n से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो म्यू टर्म लिखा है वी नो दैट इज मीन, ठीक है वो मीन है, और वो जो मीन है एक सेकंड को इस चीज को समझो थोड़ा, आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला पता है सिग्मा इज इक्वल टू वन बाई एन समेशन एक्स आई माइनस म्यू, बिकॉज म्यू नोन है, यही है ना, अब ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट करते हो, यही सिग्मा है हमारा, तो सिग्मा को निकालने के लिए हमें एन पता होना चाहिए और ये म्यू तो कम से कम पता होना चाहिए, और ये जो म्यू होता है मैंने कल लिखाया था एग्जाम्पल में, दिस इज अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, पैरामीटर है, सिग्मा जो है वो क्या है पैरामीटर है, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब तुमको ये पॉपुलेशन इससे मिल गया, इस पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, दैट मींस म्यू इज नोन एंड सिग्मा इज नोन, तो ये दोनों वैल्यू जब तक पता नहीं होगा तब तक आंसर आएगा नहीं, तो ये आंसर लाने के लिए, और ये एक सही है उसका नोन होना जरूरी नहीं है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन सैंपल, ठीक है ये सैंपल से बेस्ड होता है, सबका सारा वैल्यू आप एक्स वन एक्स टू पूरा वैल्यू आपको पता होगा तो वो टर्म आएगा। अब ये म्यू जो है वो वैल्यू नोन है, मतलब ये है जो आपने सैंपल के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन निकाला था एक्स आई का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, उसके बेसिस पे ये जो म्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो उसके बराबर आ जाता है, तब ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। मतलब अगर हम ये आंसर बोलते हैं कि जो एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू है, क्योंकि म्यू जो है वो अगर आपको म्यू पता है या म्यू निकालना है तो वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, और सैंपल के बेसिस पे जो कैलकुलेशन करोगे जो निकालोगे रिजल्ट, उस रिजल्ट को क्या बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज एस्टिमेशन, एस्टिमेशन वही है ना,
ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल यू हैव टू कैलकुलेट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब मीन जो सैंपल का मीन है उसके हेल्प से हम लोग पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं, तो जो मीन जो होगा वो इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मीन, ठीक है, समझ आया? मैम ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन है ये सैंपल का मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मीन इज सैंपल मीन एंड दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। हो गया, चलिए नेक्स्ट सेशन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन इन विच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, द वेरिएशन इन विच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर अफेक्टेड बाय अनकंट्रोल्ड फैक्टर इज कंसिडर्ड एज। अनकंट्रोल्ड फैक्टर क्या हो सकता है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ, and that is random, हो गया या नहीं? ऐसे variations जो random cause की वजह से आ रहे हैं, that is random, ठीक है? So variation in which outcome of the experiment are not affected by, are affected by uncontrolled factor, जो भी uncontrolled factor जिसको आप control ही नहीं कर सकते, तो वो uncontrolled factor है and उसकी वजह से जो variation आता है उसको हम रैंडम वेरिएशन बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन वन होगा, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ फैक्टर व्हिच कांट बी कंट्रोल्ड और दैट इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड्स, ये बोल सकते हैं। अब कंट्रोल जो नहीं होगा तो दैट इज रैंडम कॉज, कुछ भी रैंडमली अगर हो गया तो पता नहीं है क्या है, एंड दैट इज रैंडम कॉज, and because of that random cause random variation occurs, so option A। chalo next dekho kya hai, the population variance is called, chalo ye to kal hi bataya tha, ek minute dekho question number G, the population variance is called also called सिग्मा स्क्वायर्ड, नेगेटिव सिग्मा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्या है भाई बताओ जरा। ये आइडिया सबको पता होगा और होना चाहिए, ये हम पूछने वाले हैं किसको नहीं पता है उसको। चलो मानसी श्रीवास्तव कैमरा ऑन करिए, अभिजीत कैमरा ऑन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभिजीत क्वेश्चन नंबर जी का आंसर बताओ, पॉपुलेशन वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड, आज ही बताओगे आंसर, मुझे आज ही चाहिए, तुम पता नहीं क्या रिसर्च कर रहे हो। कोई और जो बता सकता है, मानसी ये पता नहीं कहाँ कुछ राउंड नंबर 51 बताओ जरा क्या होगा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर जी का। राउंड नंबर 51 एम आई ऑडिबल टू यू, यस मैम, इसका बताइए जी का आंसर। जी को मैम शायद मैम इससे ही पता, शायद नहीं पता, मतलब नहीं पता में भी शायद है। हाँ एनीवन वांट्स टू आंसर, हैंड रेज करिए सर, हैंड रेज करो। श्रेया दिया निक्की संजना एंड मनीष यामिनी, अच्छा यामिनी आप बताइए क्या होगा, एंड कैमरा ऑन करो मनीष एंड यामिनी,
चलो बताओ यामिनी, कैमरा ऑन करो और बताओ। मैम फर्स्ट फर्स्ट सिग्मा स्क्वायर। यस मैम। और किसी को लगता है सिग्मा स्क्वायर? जिसको लगता है सिग्मा स्क्वायर सब हैंड रेज रखो, बाकी सब हैंड लोअर करो। चंदा, चंदा क्या होगा आंसर बताओ सर। हमें ये होगा, ठीक है। ये बाकी इसमें 100% बताना चाहिए था सबको। मनीष। यस मैम। क्या होगा मैम? ए सिग्मा स्क्वायर। क्योंकि पॉपुलेशन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा का स्क्वायर से ही रिप्रेजेंट, नोटेशन ही वही है, मत खत्म है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है पूरा पढ़ने का, जो अब तक हम लोग नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वही है बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ना ध्यान से। द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने बताया था, किसी को है यार क्या है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एनीवन? बताया था मैंने नॉर्मल को बताने के पहले एक्सप्लेन किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में अंतर। क्लियर है या नहीं है ये बताइए। मैम एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों। देखो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं जहां पे नंबर x1 x2 जो भी है दैट ऑल इज काउंटेबल। सपोज नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ पर्सन, अगर इस तरह का है जो कि काउंट कर रहे हो 10%, 2%, 50% अलग अलग वैल्यूज है, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे अगर उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास किस केस में होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है, पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है, बर्नौली के केस में होता है, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। वैसे टर्म्स जहां कंटिन्यूअस एरिया की बात आती है, जैसे एरिया के टर्म में नॉर्मल कर्व, मैंने एक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी है जहाँ पे कंटिन्यूअस एरिया आता है, जहाँ पे ग्राफ बनाते हो तुम या फिर कोई पाथ फॉलो करते हो, तो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे एरिया टर्म आ जाए, कंटिन्यूटी मेंटेन करने लग जाए, वन ईयर गैप अगर हम देते हैं तो फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम 365 days, ठीक है, वन से लेकर 365 days पूरे इंटायर, मतलब उस मतलब जो ब्रेक होकर नहीं जा सकता, एरिया पाथ ये सब ऐसा टर्म है जिसमें आप ब्रेक होकर नहीं जा सकते। वॉल्यूम अगर ले रहे हो तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब होती है तो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब वेरिएबल जो आप ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर वेरिएबल कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है देन डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर वो डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द आउटकम इज वेरी स्मॉल विथ अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज क्लासिफाइड एज। बताओ क्या होगा? आउटकम इज वेरी स्मॉल, आउटकम इज वेरी स्मॉल मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दैट आउटकम इज वेरी स्मॉल। पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैम। पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टियर और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही खत्म कर दो। पोस्टियर डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं भी ऑप्शन दिखेगा तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, वो आपके काम का नहीं। वो बेस थ्योरम पे डिपेंडेंट अगर है तो थोड़ा बहुत तुम्हारे काम का भी है, अदरवाइज नहीं। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? जब फ्रीक्वेंसी हमें सीएफ के फॉर्म में दिया रहता है
सीएफएम में को जब ऐड करते हैं देन दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है. लेकिन अगर पीजीएफ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कर रही हो ना उसके इंटायर रेंज को तुम ऐड कर दो. जैसे मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ले लिया जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जीरो से लेके एन तक के सारे वैल्यूज को जब आप ऐड कर देंगे तो जो टर्म आएगा दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट जीरो है अपर लिमिट एन है. तो जीरो वैल्यू रखो, वन रखो, टू रखो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अलग अलग वैल्यू जो आ रहा है टेन तक जा रहा है. तो टेन तक के सारे वैल्यूज को जब आप ऐड कर देंगे तब जो आंसर आएगा दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. वो सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर एंटायर रेंज. लेकिन यहाँ पे आउटकम वेरी स्मॉल स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है देन दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर उसको नॉर्मल से लीजिए किया जा सकता है क्या मैम? डिस्क्रीट है, कंटीन्यूअस नहीं है, तो नहीं होगा खत्म. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना नहीं है, पोस्टर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन तब आएगा जब आप टोटल की बात कर रहे हैं. और पॉइसन तब होगा जब डिस्क्रीट होगा. और क्यूमुलेटिव डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों का हो सकता है, ये ध्यान रखना. चलो क्वेश्चन नंबर आई पे आइए. Inputosis, the beta is greater than 3, the quartile range is preferred for. Quartile range. चलो फिर देखो कुटोसिस जो है कुटोसिस की बात कर रहा है. मतलब कुटोसिस में प्लेटोकोर्टिक मेसोकोर्टिक अभी भी मैंने बताया अगर बीटा का वैल्यू जो कि आप कैलकुलेट करते हैं 3 आ जाता है देन दैट इज मेसोकोर्टिक पर. तो बीटा इज ग्रेटर देन 3 तो पहले ही लिख दिया तो यहीं पे कंक्लूड कर सकते हो बीटा ग्रेटर देन 3 जब होगा देन वो लेप्टोकोटिक हो जाएगा, है ना. बीटा इज इक्वल टू 3 होगा देन मेसोकोटिक, बीटा लेस देन 3 देन दैट इज प्लेटोकोटिक. तो क्वार्टाइल रेंज इज प्रिफर्ड फॉर ये क्या होगा मेगा कर्व डिस्ट्रीब्यूशन. फिर सब कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है. ठीक है, जो टर्म पता है बस उससे रिलेट करो आंसर आ जाएगा. जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसको से रिलेट करिए. सो कुटोसिस टर्म जो होता है कुटोसिस टर्म से क्वार्टाइल का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल क्योंकि कुटोसिस इज डिपेंडेंट ऑन शेप ऑफ द ग्राफ. और शेप ऑफ द ग्राफ जो होता है That is either leptocortic, mesocortic or platocortic. ठीक है, तो greater than 3 के केस में मैंने जैसे भी बताया leptocortic curve होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका leptocortic distribution होगा. चलो नेक्स्ट देखो J. ये तो तुम लोग कैलकुलेशन करो, ऑप्शन नहीं बताएंगे, कैलकुलेशन करके बताओ. The mean of the binomial, if the mean of the binomial distribution is 25, then the mean of Poisson distribution बताओ. चलो बताओ क्या है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है 25 है देन द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन प्रोबेबिलिटी क्या होगा.
मैम 25 नहीं है इसमें कुछ भी नहीं, आंसर सब आपको पता है, जो भी मीन होगा बायनॉमियल का वही क्वेश्चन का होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट मीन ऑफ बायनॉमियल इज व्हाट, एनपी, पता है ना, एन इनटू पी होता है, और वही एन इनटू पी हो जाता है लैम्डा एज अ कांस्टेंट, और यही जो है वो मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, और ये क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, और दोनों आपस में क्या होता है बराबर है, डिफरेंस यही होगा ये जो p है दैट इज गोइंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, एंड n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो प्रोबेबिलिटी अगर पूछ देता कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये आप नहीं बता सकते थे विदाउट नोइंग एन, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपसे मीन पूछा गया है, तो एनपी इज इक्वल टू लैम्डा होता है, तो जो बाइनोमियल का है वही क्वेश्चन का है, ठीक है, दोनों का एन अलग होगा, दोनों का पी अलग होगा, लेकिन जो मीन है, जो वैल्यू है कंबाइन, वो वही होगा, ठीक है, ये आपने लिखा था, है ना, सिर्फ इसी को यहाँ पे बस यूज किया गया है, इसी इंफॉर्मेशन के लिए। चलो ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव में चलो कुछ क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आइए इधर देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, एक आध कोई है इंसान, कुछ कुछ लोगों को पूछना पड़ेगा मुझे, मनीष बताएगा मुझे कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा अच्छे से बता दो, दो चार ही पॉइंट बताओ, दो पॉइंट बताओ, दो पॉइंट किसी और से पूछो, मनीष बता सकते हैं, कैमरा ऑन करिए और बताइए तो जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, दैट्स इट, चलो कोरिलेशन क्या है और रिग्रेशन क्या है, दो पॉइंट बता दीजिए बस, मनीष आवाज नहीं जा रही है, संजना चलो तुम ही बताओ, मैम जो कोरिलेशन होता है वो रिलेशनशिप को बताता है, और जो रिग्रेशन होता है कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, कॉज एंड इफेक्ट को बताता है, ठीक है, और जो इसमें जो कोरिलेशन में जो एक्स, और कोरिलेशन है जो एक्स और वाई इसमें चेंज नहीं होता है कोरिलेशन में, एक्स और वाई तो ऐसे भी चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू लिखते हैं वही रहेगा, बट मीन बाय चेंज नहीं होता है, जो वैल्यू मैथमेटिकल टेबल में लिखते हैं वही रहेगा, वो कहां से बदलने वाला है, ऐसे भी नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होता इसमें, क्या मतलब इसका क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैम जो x is equal to a plus by जो होता है मतलब ठीक है, वो जो इक्वेशन हमारा होता है y is equal to a plus b था मैम, कुछ भूल गया मैम, ये भी भूल गई मतलब, तो याद करेगा, नंबर 70 चलो बताओ तो जरा, कोई और डिफरेंस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है उसका, चलो कोई और जो सेकंड पॉइंट बता रही है उसको तुम थोड़ा अच्छे से बता सकते हैं तो फिर बताओ, नहीं पता सुनाई नहीं दे रहा मुझे, ज्योति
से बहुत नो होगा, कैमरा बंद हो गया, जस्ट डू इट. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के में डिफरेंस बताइए तो जरा. क्या अटेंडेंस हम करते हैं, जिस लोगों का नाम बोल रहा है ना, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. यस मैम. हाँ बताओ जरा क्या है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में डिफरेंस. पता नहीं मैम, ये बताने में तुमको इतना समय लग रहा है. मैं ये सोच रहे थे, कुछ आया था दिमाग में. पढ़ोगे नहीं तो आएगा कहाँ से दिमाग में. दिमाग में भी वही आता है जो हम पढ़ते हैं, है ना. पढ़ते देखते सीखते हैं, वही दिमाग में आएगा. दिमाग में ऐसे ही कोई आएगा नहीं. कोरिलेशन रिग्रेशन का डिफरेंस तो कितनी बार डिस्कस किया मैंने क्लास में भी. दोनों को अलग अलग पॉइंट्स में एक्सप्लेन भी किया है. क्यूनस और कुटोसिस में डिफरेंस को बता सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूनस एंड कुटोसिस. इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखना तुम लोग. नेक्स्ट क्लास में फिर पूछेंगे भी और बताएंगे भी अगर कंफ्यूजिंग पॉइंट कुछ होगा तो. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे. कोशिश यही करना अगर कुछ भी प्रोबेबिलिटी या फिर कुछ भी टर्म्स डिफाइन करना है और ज्यादा लेंथी एग्जांपल नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल डाल दो सारे क्वेश्चन के आंसर. ये सब आंसर लिखने का तरीका है. अगर एग्जांपल है तो फिर तो लिखना ही है. और कुछ ऐसे टर्म में जहाँ पे एग्जांपल नहीं है बट सिंपल टर्म डिफाइन करना है तो उसमें एग्जांपल्स आप ऐड कर दीजिए. बोलो भैया. मैम ये जो क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विद इट्स लिमिटेशन, तो प्रोबेबिलिटी के लिमिटेशंस क्या है मैम. सारे लिमिटेशंस हैं देखना. ये भी एक लिमिटेशन है जो आप एक्चुअल रियलिटी को शो नहीं करते. कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं बट पास होने की प्रोबेबिलिटी वही 1/2 धरा का धरा रह गया है. तो दिस इज आल्सो अ ड्रॉबैक, है ना, लिमिटेशन है जिसको हम बाद में मॉडिफाई करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से. बाद में उसके लिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं. बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी वही प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नहीं पढ़ रहे हैं तब भी वही 1/2 है. दिस इज अ लिमिटेशन. बहुत चीज ऐसा भी होता है जो टाइम एंड सिचुएशन के साथ बदल रहा है बट प्रोबेबिलिटी उसको एज अ कंसीडरेशन नहीं लेती है. बट स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन जो कि सबसे मॉडिफाइड डेफिनेशन है उसमें उसका भी यूज किया जाता है. लिमिटेशन यहाँ पे जो क्लासिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, वही मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. तो उसके लिमिटेशन को डिस्कस करना और तुम देखोगे तो मिल जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये वही है सिचुएशन और टाइम जैसे जैसे बदल रहा है बट प्रोबेबिलिटी इज एज इट इज. थैंक यू मैम.